खोलो भाई खोलो। सर सिंह भाई गेट खोलो भाई, गेट खोलो। सर से मिलना, सर से मिलना, यादव सर से। बताइए बताइए, आप बताइए। सब यही है अंदर? नहीं नहीं सब यही है। सुनिए सुनिए, इसमें लिखा गया है, नोटिस इन्होंने दे दिया, इन्होंने 48 घंटे के अंदर मिलने बुलाया है। ये आए हुए हैं, उनको वापस भेज दिया जा रहा है कि नहीं मिल सकते, ठीक है ना? तो फोन उठा रहे हैं और ना ही तो मिलने दिया जा रहा है। पता हमने कर ली, कोई दोनों जन ने कोई से ही फोन नहीं उठा रहे हैं। विश्वास हमें नहीं पता, किसका विश्वास करना है आपको? ठीक है, हमको इसमें नोटिस जो मिला है 48 घंटे के अंदर हमको मिलना है, हमें गेट खुलवाइए, हमें मिलना है एसके यादव से। ठीक है, एसके यादव से हमें मिलना है, बस हमको यही मिलना है। हमें तो कोई ऐसे ये नहीं है, अथॉरिटी से जो ऑर्डर आया है हम नोटिस लेके आए हैं, हमको मिलना है उनसे। नहीं तो हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। अगर दिन आउट हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे? आप बोल दो भाई, आप जिम्मेदार होंगे, आप बता दो हमको। नहीं, जिम्मेदारी अगर आप ले सकते हो ना कि हाँ 48 घंटे बीतने के बाद मिलने दिया जा सकता है और जो होना है हो सकता है, तो हम यहाँ से जाएंगे। उसका हमको ये गारंटी चाहिए जो 48 घंटे आपने दिया गया है ना। ठीक है, बात कीजिए एसके यादव से, हमें मिलना है। हमको एचआर में इन्होंने नोटिस दिया है कि 48 घंटे के अंदर आप आके मिलो। लेटर लेके हम पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या बुलाया जा रहा है कि नहीं मिल सकते? ठीक है, नहीं मिल सकते, ऐसा तो बिना मिले हम यहाँ जाएंगे भी नहीं। चलो खोलिए गेट, खोलिए, यादव सर से मिलना है। कहाँ नहीं है? जब फोन किया था आपने तब चालू थे, तब थे वहाँ पर आए ना? तब थे कि नहीं थे? राजकोट के नहीं थे, हमें ये बताओ। नहीं है, राजकोट के है ना? हमने आप मैं आपके अभी आपने कहा कि वो भूज गए हैं, फिर बोल रहे हैं कि राजकोट गए हैं। आए थे क्या? हमने आप मैंने आपको कॉल करवाया तो साहब थे कि नहीं थे? हाँ या ना का जवाब दो। साहब थे, साहब थे, नहीं नहीं जो मिलने आए थे ना तो साहब थे यहाँ पे। मैं क्या बता रही हूँ, मैं सर से बात करके गया, सर इधर देखो, सर से आपसे मैं बात करके गया, 2 बजे मैं आपने यादव जी से बात की। नहीं क्यों रखूं? नहीं नहीं, आप मेरे को हाथ नहीं लगाएंगे, आपका बात उधर है, मेरे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे आप। मैंने आपको बता दिया है, मेरे को हाथ लगाएंगे बहुत कुछ हो जाएगा। सर क्या बोले आपको, क्या बोले आपको सर? आप हमें नहीं, नहीं आपने बोला क्या? इसमें लिखा गया है कि 48 घंटे के अंदर यहाँ मिलना है, एचआर हेड पे मिलाया नहीं जा रहा है। हमको ये कहा जा रहा है कि आप रीजन दे के चलो। रीजन का रीजन क्या है, आप ये बताइए। किस चीज में हम रीजन दे? 22 साल की नौकरी में 22 सेकंड में रीजन मांग रहे हैं? किस चीज के लिए रीजन मांग रहे हैं? कौन सी यहाँ पे गलती हुई है आप बताइए पहले। सिक्योरिटी यहाँ पे बोल देते हैं चलो जाओ, राजकोट गए हैं, भूज गए हैं, क्या लगा रखा है? पहले 1 महीना से यहाँ पे राउंड लगा रहा है आदमी मेरा, 1 महीना से राउंड लगा रहा है, 1 महीना से यही बताया जा रहा है। मैं 7 तारीख से आया हुआ हूँ, 7 तारीख से आने के बाद भी मेरे पास नोटिस भेज दिया कि राम सिंह यहाँ से गायब है और ड्यूटी पे नहीं आ रहा। मेरे पास ये नोटिस गई है, ये मेरे सामने नोटिस भेजी हुई है इन्हें, मेरे को यहाँ रहने। देखिए मिलने नहीं दिया जा रहा है, गेट बंद कर दिया जा रहा है, हमारे लिए गेट बंद कर दिया जा रहा है। ठीक है, नहीं है, नहीं है ना? ठीक है, और हमारा काम हो गया। ठीक है, हम नोटिस लेके आए, आगे की जिम्मेदारी जिंदल, पूरी जिंदल कंपनी होगी। ठीक है, अब हम ये देखिए, हमारा गेट बंद कर दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि यहाँ पे ना एसके यादव है, ना अनिल आर्या है, ना कोई नहीं है मिलने के लिए, जबकि उन्होंने 48 घंटे का नोटिस भेज दिया कि ये आके हमारे एचआर हेड डिपार्टमेंट से मिलो, और आज वो छुपे बैठे हैं कहाँ पता नहीं। ये बोल रहे हैं आज, कोई बोल रहा है भूज गया है, कोई बोल रहा है राजकोट गया है, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी को ये बोला जा रहा है कि गेट बंद कर दिया जाए, हम उससे नहीं मिल सकते और गेट पे रीजन दे के दिया जाए। क्यों रीजन का रीजन क्या है हमें ये जानना है। 22 साल के पिछले 22 साल की नौकरी में इनको रीजन क्या है? मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में भी गया था मदद लेने के लिए, तो जिससे इतनी जल्दी मैं पुलिस स्टेशन से यहाँ नहीं आया, यादव के पास फोन आ जाता श्री यादव जी के पास कि आपका जिंदल का आदमी यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए आया हुआ है। मैं रिपोर्ट के लिए नहीं गया, मैं एक इनसे अपने इंसाफ के लिए गया, ये नोटिस दी है मेरे को इन्होंने, जबकि मैं 7 तारीख को यहीं पर था, इधर ही इनके पंचिंग करने आया था, मेरा पंचिंग लॉक मिला, फिर भी इन्होंने मेरे घर पर नोटिस दे दिया कि राम सिंह यहाँ से फरार है, राम सिंह यहाँ ड्यूटी पर नहीं आ रहा है।
इसका कारण कुछ नहीं है, ये दुश्मनी पर्सनल दुश्मनी है। अगर यादव जी मिलेंगे तो मैं उनको पर्सनल दुश्मनी बताता हूँ क्या चीज़ है। ये कंपनी का तो मैटर ही नहीं है, सिर्फ ये मेरे को एक परेशान करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए मेरे को दिया जा रहा है। बाकी मैं इसका पक्का क्या होता है, इनको एक चुनाव के समय कुछ बातें हुई थी, ये उस चीज़ की मेरे से दुश्मनी निकाली जा रही है और कोई कारण नहीं इस चीज़ की। मगर हम यहाँ से जाएंगे भी नहीं, जब तक हमसे कोई जवाब नहीं देगा हम जाएंगे भी नहीं, ये भी बात पक्की है। ये अपनी जिद पर हुए हैं तो हम भी अपनी जिद पे हैं। इंसा एग्रीमेंट मेरा 6 साल से पहले क्या होता, 6 साल पहले एक टॉर्चर किया गया था यहाँ पर मेरी फैमिली के साथ, इन्होंने बदतमीजी की थी, हमने उसकी पुलिस केस किया था, इन्होंने माफ़ी मांगी, राजीनामा किया, इन्होंने बोला कि आपका आगे से कोई टॉर्चर नहीं किया जाएगा। फिर भी आज हमें 5 साल से टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे को एग्रीमेंट लो मिलता है। इधर से मेरा HOD है, उसको मैं बता के जाता हूँ यहाँ पर, भाई मैं CL जा रहा हूँ, मेरी बच्ची को चोट लगी हुई है, एमरजेंसी है, तो मैं उनको बता के चले जाता हूँ। यहाँ से आने के बाद मुझे बोला जाता है कि मेरे को बता के ही नहीं गया राम सिंह, उसकी कंप्लेंट सीधी कर दी जाती है यादव जी को। यादव जी सीधे बोलते हैं कि बगैर बताए जाने पर आपको ये नोटिस दिया जाता है। आप मुझे बताओ कि ये नोटिस, जब मैं यहाँ पर हूँ 7 तारीख से मैं इधर हूँ, 7/5 से मैं इधर हूँ, तब भी मुझे ये नोटिस दी जा रही है कि ये 26 तारीख से गायब है। इस नोटिस निकाली हुई है इन्होंने 20/6 को, और जबकि मैं यहाँ पर कितने का आया हुआ 7/5 को, 7/6 को हम इधर आए हुए हैं जाता हूँ, तो मेरे को मिला नहीं जाए, मिलाने के लिए कोई वो नहीं है। यादव जी सीधे बात करते हैं कि भाई उसको बोल दो गेट पर रिजाइन दे जाएगा और चले जाएगा। रिजाइन का कारण क्या है, कोई भी आदमी नहीं होगा जिससे मैंने यहाँ बात नहीं की, मैंने सबसे बात की है, मिलने नहीं दिया जा रहा है, और सब ये एक हो गए बस, बोलते हैं सिर्फ रिजाइन दे के जाओ, रिजाइन तो दे के नहीं जाएंगे, ये तो बात पक्की है। अगर ये रिजाइन मांग रहे जबरदस्ती, मैं रिजाइन दे के नहीं जाऊंगा, कार्रवाई जरूर करेंगे हम इनके ऊपर, इसके ऊपर जिंदल के ऊपर कार्रवाई होगी, अच्छे से कार्रवाई होगी। और ये जिंदल नाना कपाया है, आप देख ही रहोगे जिंदल नाना कपाया के गेट बंद है और सभी आदमी अंदर हैं, यादव जी भी अंदर हैं, अनिल आर्या जी भी अंदर हैं, फिर भी गेट के अंदर बोल दिया गया कि आप यहाँ पर नहीं आओगे, यहाँ पर कोई नहीं है, सब राजकोट गए हुए हैं। सुबह मिलने के लिए आ गया तो उन्होंने बोला कि अभी कोर्ट में गए हुए हैं, इंतजार करो। हमने इंतजार किया, 2 बजे हमें यहाँ आया, मैंने लाल साहब को यहाँ बताया कि भाई मुझे यादव जी से मिलना है, यादव जी ने सीधे लाल साहब को बोला कि उनसे बोल दो रिजाइन देगा और चले जाएगा। रिजाइन में किस तौर पर देख जाऊँ, मुझे इसके जवाब दो कि रिजाइन क्यों दे के जाऊँ मैं, क्या कारण है, क्या गलती है। अगर घर में कोई बीमार होगा क्या उसका इलाज करवाना गुनाह है, अपने परिवार को मर जाने दे, टूटी पहले कि परिवार पहले, मुझे आप ये चीज़ का जवाब दे दो बस, कुछ नहीं है। ये पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए मेरे को नोटिस दिया जा रहा बस, और कुछ नहीं है। अतर सिंह भाई ठीक है, हम जा रहे हैं, कितने 7 तारीख से मैं आ रहा हूँ आपके पास, और कई बार आ चुका हूँ, आप खुद देख रहे हो, और कोई जवाब नहीं है। ठीक है भाई, गेट बंद कर दिया जा रहा है, गेट बंद की, लेकिन जो कार्रवाई होगी ये जिंदल के ऊपर पूरी कार्रवाई होगी अच्छे से। ठीक है, सर का कहना है कि रिजाइन दे के जाओ, रिजाइन किस कारण दे, रिजाइन का कारण इसमें लिखा ही नहीं है ना, सिर्फ यही लिखा है कि मिलने आओ 48 घंटे के अंदर, तो रिजाइन हम देंगे कैसे, फिर गेट पे आते हैं क्या बोला जाता है कि रिजाइन दे दो, रिजाइन दे दो, क्यों रिजाइन दे। आपने बोल दिया ना कि राम सिंह छोड़ के नहीं जाएगा, दम पर रहेगा यहाँ, चल आप ड्यूटी तो हम लेके ही रहेंगे और जिंदल ही में ड्यूटी करेंगे भी, इस 22 साल की नौकरी को हम छोड़ के जा ही नहीं सकते, चाहे कितना कुछ भी कोई भी कर ले। अब देखती हूँ मैं ऐसे कौन यहाँ क्या करता है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन उठाने पे यही गलती होती है, ठीक है ना। एग्रीमेंट 5 साल से कम किया जा रहा है, तो मेरे OP शर्मा जी को बोला, सर जी मेरे ऐसे मेरे को 5 साल से टॉर्चर किया जा रहा है, आपके भी मेरे 5% लगाया है, तो इन्होंने एक ही बहाना लगा लिया कि आपने OP शर्मा जी को बात क्यों किया, इसके कारण आपको ड्यूटी नहीं लिया जाता है। पहले कारण ये था, आज मेरे पास नोटिस दी जाती है ये कि आप ड्यूटी से लेट हो। अब मुझे एक चीज़ का बात, अभी तो मैं लिखित में हूँ, ये मेरे पास है प्रूफ, इन्होंने दिया कि आप ड्यूटी से लेट हो, क्या मेरा परिवार मर जाए तो कल से कौन जिम्मेदार होगा, ये आप देख ही रहे हो। अभी इनका ये कहना भी है आप कुछ भी कर लो आपको ड्यूटी नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई, अतर सिंह भाई जा रहे हैं, ठीक है, चलो। बैठो बैठो बस में बैठो, मुंडरा वाले बस में बैठो, तो बहुत अच्छी।
ओके ओके।